नमस्ते आदाब सत श्री अकाल जय हिंद। मेरा नाम है राजीव द्विवेदी। स्वागत है एक बार फिर से आपको आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव द्विवेदी पर। फिलहाल मैं एक जगह नई जगह आया हूँ क्योंकि आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बहुत सारे सजेशन दिए थे। उनमें से एक सजेशन ये था कि गैस किट जो किसी भी व्हीकल में, क्योंकि हमारा चैनल ऑब्वियसली व्हीकल से रिलेटेड है, तो गैस किट जो है किसी भी व्हीकल में कितने की पड़ने वाली है, क्या फीचर्स होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं उसके, और ये वैलिड है कि नहीं आरटीओ के हिसाब से। तो उस हिसाब से हम आज बात करेंगे गाड़ी की सीएनजी पे और एलपीजी पे। तो ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। जो लोग पैसा बचाना चाह रहे हैं और पेट्रोल या डीजल बहुत महंगा हो रहा है उनके लिए, तो थोड़ा बेनिफिट होने वाला है आपको इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत सारी जानकारी बताऊँगा, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी दूँगा और इसके बेनिफिट वगैरह बताएंगे। और साथ ही साथ अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो यहाँ इंस्टाग्राम दिया है, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, वहाँ पर भी दिया हुआ है। बाय द वे हम लोग कार की वीडियो बनाते हैं, सेकंड हैंड कार मार्केट इंदौर सब की वीडियो बनाते हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार चैनल के सारे वीडियो चेक कर लें। तो चलो चलते हैं, हम फिलहाल नौलखा में हूँ और आगे की बात करते हैं। फिलहाल हम जिस जगह हैं वो है दीपक कार गैस, और ये देख सकते हैं आप 10 मियां भाई की चाल नौलखा नियर इंदिरा प्रतिमा इंदौर। तो ये आईवस स्टेशन है, आईवस से जैसे ही आप नौलखे मार्केट के लिए अंदर घुसेंगे यहाँ पर आएगी, और यहाँ सामने बहुत सारी कारों का शोरूम है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको, मिलाते हैं ऑनर से और जानते हैं कुछ जानकारियाँ। जी नमस्कार दीपक जी। हाँ जी नमस्ते। तो हमारे जो कस्टमर हैं या फिर आप जो भी सब्सक्राइबर, वो जानना चाहेंगे सबसे पहले कि सीएनजी या फिर एलपीजी या पेट्रोल, मतलब लगवाने का क्या फ़ायदा है इसका? सर एलपीजी या सीएनजी लगवाने का यह फ़ायदा है, एक तो ये पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता इससे, ठीक है, गाड़ी पे कोई इफेक्ट बैड इफेक्ट नहीं आता है, और जो अपना माइलेज होता है गाड़ी का जस्ट डबल हो जाता है ऑलमोस्ट, और ख़र्चा तो ऑब्वियसली कम ही हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अब चलिए जानते हैं कि मतलब नुकसान क्या होता है, नुकसान भी है कुछ? सर इसमें कोई नुकसान नहीं है आपको गाड़ी को, वेल आपके जो गाड़ी का जो टाइम पीरियड पे आप जो आपकी सर्विस कराते रहते हो बस यही कराना होता है, उसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा में कुछ नहीं कराना होता है। किट लगवाने के लिए आरटीओ वगैरह से क्या कैसा क्या परमिशन रहती है? आरटीओ से अधिकृत करानी पड़ती है, आरटीओ पे उसमें आरसी कार्ड पे इंडोर्समेंट होके आता है और वो गवर्नमेंट के सिस्टम के हिसाब से ही होता है। वो आप स्वयं कराते हैं या हमें कस्टमर को, ये नहीं हमको खुद कराना होता है? नहीं वो मैं स्वयं ही करा के दूंगा आपको। मतलब हम अगर यहाँ पर आते हैं ये लगवाते हैं गैस किट, तो आप सारा काम करके और सारा अमाउंट ले लेंगे बस जो भी रहेगा? जी। तो इस ये हो गई बहुत सारी जानकारी, आप जान लेते हैं चलिए एक अलग अलग डिफरेंट प्राइस की क्या क्या प्राइस होती है। तो सबसे पहले एलपीजी की बात करते हैं। जी सर एलपीजी में अपनी जो लेटेस्ट मॉडल की जो BS6 के नॉन्स की जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें पड़ता है करीब 22,000 रुपये का, ठीक है, 22,000 रुपये विद आरटीओ होके आ जाता है, ठीक है। एवरेज कैसा हो जाता, मतलब कुछ अंदाज़ा है कुछ? एवरेज सर जो अपना जो अपने पेट्रोल है, पेट्रोल अभी 93-94 समथिंग हो गया है, ठीक है, और जो एलपीजी पड़ता है पंप से 43-44 का समथिंग पड़ रहा है। तो जो अपना माइलेज रहता है, अगर अपनी गाड़ी 13 या 14 का एवरेज दे रही है तो वही की वही एवरेज अपने को एलपीजी पे मिलने लगता है, वही का वही सेम मिलेगा, वही की वही सेम एवरेज मिलने लगता है। लेकिन जो अपना जो पेट्रोल का और एलपीजी का जो डिफरेंस है, डिफरेंस अमाउंट है, जैसे पेट्रोल 94 समथिंग है और अपना एलपीजी जो है 45 समथिंग है, तो ये डिफरेंस आ जाता है अपने को, जस्ट आधे रेट पे चलने लगती है अपनी गाड़ी। तो ये डिफरेंट है गाइज। और चलो अब एलपीजी का बता दिया है, अब सीएनजी का प्राइस जान लेते हैं एक बार। सर सीएनजी का प्राइस पड़ता है फुल फिटिंग फिटमेंट के साथ में वो पड़ता है अपने को 33,000 रुपये का, 33,000 का जी, है ना। और ये माइलेज अपनी गाड़ी 1 किलो पे करीब करीब 30 के आसपास का एवरेज निकालती है, बढ़ जाता है इसमें, बढ़ जाता है सीएनजी में हमेशा बढ़ जाता है। हाँ सीएनजी में हमेशा जस्ट डबल आएगा, एलपीजी में जो पेट्रोल पे आ रहा है वही आएगा जी। तो ये बेनिफिट होने वाला है अगर आप 30,000 खर्च कर रहे हैं तो पेट्रोल से काफ़ी निजात या राहत मिलने वाली है आपको। तो चलो ये सीएनजी की हमने किट बताई है, तो अभी फ़िलहाल एक है सीएनजी किट और ये बॉक्स है कंप्लीट बॉक्स जिसमें बहुत सारा सामान आता है, तो हम एक एक करके बाहर निकालते जाएंगे और इसकी नॉलेज जो है लेते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बॉक्स निकला, ये किस चीज़ का है? ये है इंजेक्टर रेल, इंजेक्टर रेल, हाँ ओके। देन उसके बाद ये बहुत सारे बॉक्सेस हैं जो कि आएंगे, ये कंप्लीट किट है जो कि फिटिंग के लिए यूज़ आती है, कंप्लीट फिटिंग, ये कंप्लीट किट है
ये अपना होता है अपना सीएनजी का रिफिलिंग वाल्व, ये होता है इसका प्रेशर गेज, जी। और इस टाइप से इसकी रबर ट्यूबिंग आती है, ये रबर ट्यूबिंग हो गई। और ये होती है इसकी स्टील ट्यूब, स्टील ट्यूब ये है, हाँ ये रबर ट्यूब है, ये रबर ट्यूब है जी। और इसमें पीछे से आगे तक जो गैस इन आउट होती है, हाँ हाँ से होता है स्टील ट्यूब से ही। बिल्कुल बिल्कुल। ये होता है इसका मेन यूनिट रिड्यूसर, रिड्यूसर ओके। तो ये हो गया रिड्यूसर, और इसी के साथ बहुत सारी सामान रहता, बहुत सारी एसेसरीज रहती है जो कि फिटिंग वगैरह करने के लिए। ये और इसका ECM इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूनिट, सर्किट यूनिट ओके। ये इसका होता है मैप सेंसर, जी जी। और ये इसकी वायरिंग, पूरी गाड़ी की हार्नेस वायरिंग होती है, वायरिंग होती है। और ये होता है इसका स्विच, स्विच ओके। और स्विच जो कि पेट्रोल के, पेट्रोल और डीजल पेट्रोल करना होता है। तो जी मैं जानना चाहूँगा 33,000 में कम का भी रहता है क्या, टैंक का क्या डिफरेंस रहता है, किस टाइप से मतलब? नहीं, टैंक दो साइज़ में आते हैं इसमें फोर व्हीलर में, एक 12 केजी का हमारी भाषा में 12 केजी का कहलाता है और एक 14 केजी का कहलाता है। गाड़ी की डिक्की के अकॉर्डिंग अपन उसमें टैंक इंस्टॉल करते हैं, जो जैसे बड़ी बड़ी डिक्की वाली जो गाड़ियाँ रहती है उसमें 14 केजी का आ जाता है, अंदर तक पूरा फिटिंग फिटमेंट बैठ जाता है अंदर से, और काफ़ी सारी डिक्की भी रह जाती है। तो ये एक टायर टाइप का आता है, ये जो गोल गाइस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस टाइप का आता है, और एक ये एक ही कैप्सूल आता है, ये कैप्सूल, हाँ। तो अच्छा, इसमें कम ज़्यादा का नहीं रहता, कम टैंक का लगवा रहे हैं तो प्राइस में कुछ डिफरेंस? प्राइस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, ओके। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1,000 रुपये का डिफरेंस आएगा, मैक्सिमम 1,000 रुपये का, जी जी जी। चलिए, तो ये है सारी जानकारी, अगर आप लगवाना चाहते हैं तो कितने टाइम में कंप्लीट करके दे देंगे? इसमें लगता है सर करीब 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे में पूरा कंप्लीट करके दे दूंगा मैं। ठीक है। सर्विस वारंटी सर 1 ईयर रहेगी, 1 ईयर रहेगी, उसमें अगर पार्ट कुछ भी गड़बड़ होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चेंज करके दूंगा मैं। चेंज करके देंगे जी दीपक सर। और ये है दुकान उनकी, चलो हम दिखा देते हैं आपको, ये कंप्लीट शॉप, ये है कंप्लीट शॉप। अगर बात की जाए तो दीपक गैस, मोबाइल नंबर वगैरह तो यहाँ लिखा ही है। तो गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी हुई हैं जिसपे ये आगे चल के काम करने वाले हैं, और ये टैंक है कुछ इस तरह का टैंक जो है लगता है कैप्सूल टाइप का। तो ये सारी चीज़ें हैं, और एक नॉलेज देना था आपको तो बता ही दिया है, बाकी कोई भी समस्या हो तो आप संपर्क कर लें इनसे, कांटेक्ट कर लें और जान लें जानकारी, और कमेंट में भी बता सकते हैं। सो फाइनली गाइस, ये था कंप्लीट जो है टूर एक गैस फिटिंग का, या CNG LPG जो भी लगवाना चाहते हैं आप उसके लिए, जो कि बहुत कम होते हैं एक शहर में, अगर बात की जाए तो बहुत कम लोग ही ये काम करते हैं, उनमें से ये एक लोग हैं। और अगर इंदौर के आसपास के हैं आप लगवाना चाहते हो, डेफिनेटली यहाँ पर आ सकते हैं, और यहाँ पर आना हर कोई आता ही है, तो इसमें कोई नई सी बात नहीं है। तो चलो, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और मिलता हूँ आपसे इंस्टाग्राम में, अगर मिलना चाहें तो मिल सकते हैं मुझसे, इंस्टाग्राम की ID यहाँ पर लिखी हुई है, ट्विटर भी दिया हुआ है, बट डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह लिंक रहती है, पहली लिंक मेरी है, उसके बाद इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, तो संपर्क भी आप कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, संडे को वैसे हम लाइव भी करते हैं, तो डेफिनेटली आप जुड़ सकते हैं और आपके क्वेश्चन जो है मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज राजीव द्विवेदी साइनिंग ऑफ, टिल द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और अपने काम में व्यस्त रहो।